सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेम टेक्सचर चैनल को और बेल आइकन का साथ में दबाना। गाइस फेम टेक्सचर चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम गाइस बात करने वाले हैं नए गाइस जो ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है और आपको ये वाले गाइस स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे 10,000 की रेंज के बीच में। तो गाइस बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन गेमिंग के रिलेटेड गाइस आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के बीच में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बैटरी के रिलेटेड और प्रोसेसर के रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन इस फोन के बीच में गाइस देखने को मिलेगी जो इस वीडियो के बीच में गाइस मैं आपको बताऊंगा। तो टॉप ऐसे गाइस 6 स्मार्टफोन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो गाइस उससे पहले एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज की इस बेस्ट गाइस स्मार्टफोन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रेडमी 9 पावर। तो इस स्मार्टफोन के बीच में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी और यहाँ में गाइस मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले की 6.53 इंचेस की पूरी फुल एचडी मल्टीपल टच की आपको इसके पीछे डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड 1080 पिक्सल के बीच में गाइस आपको देखने को मिलेगी इसके स्क्रीन के गाइस पिक्सल्स आपको देखने को मिलेगी। रेजोल्यूशन आपको गाइस बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है और इसके बीच में गाइस 6GB की रैम एंड 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और 512GB की एक्सपेंडेबल इसके बीच में आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर गाइस आपको 6000mAh के साथ में बैटरी मिल जाती है, एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 का मिल जाता है। और इसके बीच में मेन बात करूँ तो गाइस इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पर 662 का स्नैपड्रैगन का आपको इसके पीछे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है ऑक्टा कोर का और साथ में गाइस 6000mAh के बैटरी के साथ आपको देखने को मिलेगी 18W का फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। इसके बाद गाइस वो फोन की प्राइस की बात करूँ तो ये वाला गाइस आपको फोन देखने को मिल जाएगा 10,999 रुपीस के बीच में। तो गाइस बहुत ही अच्छी चॉइस है स्मार्टफोन की और इसके बीच में गेम आप बहुत अच्छी खेल सकते हो, पबजी खेल सकते हो और गेमिंग के लिए गाइस ये वाला फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको इसके पीछे 6GB की रैम देखने को मिलती है, 6000mAh की बैटरी है। तो नंबर 2 ओप्पो A31। तो इसके बीच में गाइस आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी और सबसे पहले गाइस बात करूं तो इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर गाइस आपको डिस्प्ले इस फोन की गाइस देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की पूरी फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में गाइस आपको ये वाला फोन के बीच में गाइस 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, 6GB रैम एंड 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी आपको इस फोन के पीछे देखने को मिलेगी और माइक्रो एसडी कार्ड गाइस आप डाल सकते हो इसके पीछे 256GB तक का इसके पीछे माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हो। और साथ में इस फोन के पीछे बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4230mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है और 14 घंटे तक गाइस आप इस फोन को चला सकते हो और वो भी गाइस नॉन स्टॉप। तो इसमें गाइस इस फोन के मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर गाइस आपको 2.0GHz ऑक्टा कोर का आपको इसके पीछे प्रोसेसर देखने को मिलता है इसी ओप्पो A31 के बीच में। बात करूं तो गाइस इसके बैक एंड रियर कैमरास की, तो बैक के रियर कैमरास के बीच में आपको देखने को मिल जाता है 12MP का फर्स्ट वाला कैमरा, सेकंड वाला गाइस आपको देखने को मिलता है 2MP का और थर्ड वाला गाइस आपको देखने को मिलता है 2MP का डेप्थ कैमरा। तो इसके साथ गाइस आप वीडियो बना सकते हो एंड गाइस पूरी हाई एचडी के बीच में गाइस बना सकते हो वीडियो 1080 पिक्सल के बीच में बना सकते हो और गाइस 4K के बीच में वीडियो बनाने का ऑप्शन आपको इस फोन के बीच में नहीं देखने को मिलता है। इसके बीच में गाइस आप गेम बहुत अच्छी खेल सकते हो और अगर आप गाइस गेमिंग के लिए इस फोन को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वाला फोन गेमिंग के लिए अच्छा है और इसके पीछे आपको गाइस ऑक्टा कोर का 2.0GHz का इसके पीछे प्रोसेसर जो देखने को मिल रहा है तो गेमिंग के लिए आपके लिए ये वाला फोन अच्छा है। तो आप इस फोन को गाइस बाय कर सकते हो। तो बात करूं गाइस इसके मैं प्राइस, यहां पर गाइस आपको ये वाला प्राइस देखने को मिल जाता है 10,990 रुपीस के बीच में गाइस ये वाला फोन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 Redmi Note 9 Pro। तो इसके बीच में गाइस आपको देखने को मिलेगी 6.67 इंच की पूरी फुल एचडी डॉट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और साथ में गाइस मैं बात करूं तो इस फोन के कैमरास की, तो यहां पर आपको गाइस कैमरा देखने को मिल जाता है वो भी फ्रंट वाला आपको कैमरा देखने को मिल जाता है 48MP का। और साथ में गाइस मैं बात करूं तो इसके बैटरी की, तो बैटरी आपको गाइस देखने को मिलती है 5020mAh की इसके पीछे बैटरी देखने को मिलती है। और इस फोन के पीछे गेमिंग के लिए गाइस मैं प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर आपको गाइस देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 720G का इसके पीछे गाइस प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और इस प्रोसेसर के पीछे गाइस आप खेल सकते हो गेमिंग वो भी गाइस अल्ट्रा के बीच में खेल सकते हो वो भी विदाउट GFX गाइस लगाए आप गेम खेल सकते हो, पबजी होगी या अदर गेम्स वो इस फोन के पीछे आपको गाइस
बहुत ही अच्छी है। इसके बीच में फोन के बीच में गाइस परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के रिलेटेड देखने को मिलेगी। और जहां पर गाइस मैं बात करूं तो इस फोन के बीच में वीडियो बनाने के ऑप्शन, तो इसके बीच में गाइस आप 4K के बीच में वीडियो बनाने का ऑप्शन आपको इसी फोन के बीच में देखने को मिलता है। तो इस फोन का गाइस प्राइस आपको देखने को मिलेगा 12,999 रुपीज के बीच में ये वाला फोन आपको देखने को मिलेगा। ये वाला प्राइस है और इस प्राइस के ऊपर गाइस आपको बहुत ही अच्छे गाइस इसके बीच में रैम आपको 6GB की मिल रही है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। तो और गाइस क्या एक्सपेक्ट करते हो? और नंबर 4 Vivo Y20। तो इसके बीच में गाइस आपको Vivo Y20 के बीच में आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.51 इंच की गाइस लार्ज डिस्प्ले आपको इसके पीछे देखने को मिलेगी। और गाइस इसके पीछे जो कलर्स की मैं बात करूं तो कलर्स आपको इसके पीछे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और जहां पर गाइस गेमिंग के लिए आपको बहुत अच्छा गाइस इस फोन के पीछे प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का गाइस देखने को मिलता है, वो भी 600 का। और बहुत ही अच्छा गाइस इसके पीछे आपको प्रोसेसर ये वाला देखने को मिल रहा है। अगर आप गेमिंग के लिए इस फोन को बाय करने के बारे में गाइस सोच रहे हो तो ये वाला फोन गेमिंग के लिए अच्छा है। और यहाँ पर गाइस मैं बात करूँ तो इस फोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको गाइस बैटरी देखने को मिल जाती है 5000 mAh की। 18W का फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, इस 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको फास्ट चार्जर आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है। बात करूँ तो गाइस इस फोन के पीछे कैमरास की, तो यहाँ गाइस बैक की साइड के पीछे आपको कैमरा देखने को गाइस मिल जाते हैं। 13MP का फर्स्ट वाला कैमरा, सेकंड वाला 2MP का और थर्ड वाला गाइस 2MP का आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट के गाइस कैमरे की मैं बात करूं तो 8MP का आपको फ्रंट का कैमरा गाइस देखने को मिलेगा। और यहां पर गाइस मैं बात करूं तो इस फोन के बीच में आप वीडियो गाइस 4K के बीच में वीडियो बनाने का ऑप्शन आपको इसी फोन के बीच में देखने को मिलता है। और गाइस 5000 mAh की बैटरी, 18W का गाइस फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, तो गेमिंग के लिए आपको इस फोन के पीछे बहुत ही ज्यादा मजा उठाने को मिलेगा। और इस फोन के गाइस मैं प्राइस की बात करूं तो ये वाला फोन का आप कितने प्राइस के पीछे गाइस बाय कर सकते हो, ये वाला फोन गाइस आपको 12,990 रुपए के पीछे आप ये वाला फोन गाइस बाय कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा गाइस इसके बीच में आपको ये वाला प्राइस देखने को मिल रहा है। और इसके बीच में जितने फीचर्स आपको गाइस देखने को मिल रहे हैं, फीचर के हिसाब से इसका प्राइस गाइस बहुत ही ज्यादा सही आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 5 Realme Narzo 20। ये वाले फोन के बीच में गाइस आपको 6.52 इंचेस की गाइस इसके बीच में HD LCD गाइस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो बात करूं गाइस इस डिस्प्ले के बीच में गाइस इसके रेजोल्यूशन मींस की पिक्सल्स की, तो यहां पर आपको 1600x720 पिक्सल के बीच में आपको इसकी रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी स्क्रीन की। तो यहां पर गाइस मेमोरी की बात करूं तो आपको 6GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी आपको इस फोन के पीछे देखने को मिलेगी। और साथ में गाइस मैं बात करूं तो इसकी एक्सपेंडेबल गाइस स्टोरेज की, तो यहां पर 512 की आपको इसके पीछे एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। तो एंड्रॉइड वर्जन 10 का इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा। और गाइस इसके पीछे मैं बात करूं तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको मीडियाटेक हिलोई G85 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको इसके पीछे गाइस देखने को मिल रहा है। और गाइस आपको GFX लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी गेमिंग के लिए, और गेमिंग के लिए आपको इसके पीछे बहुत ही अच्छा गाइस मजा उठाने को मिलेगा। और इसका गाइस मैं प्राइस की बात करूं तो यहां पर गाइस इस फोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा 11,150 रुपीस ओनली। तो इतना अच्छा गाइस प्राइस आपको इस फोन का देखने को मिल रहा है। तो गाइस कुछ ही टाइम के लिए इसकी गाइस ऑफर, तो जल्द इस फोन को बाय कर लो, तो आपके लिए ये वाला फोन बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 6 Realme 6i। तो इसके पीछे आपको गाइस देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की पूरी फुल HD डिस्प्ले, और साथ में आपको गाइस देखने को मिलेगा इस फोन के कैमरास 48MP, 8MP प्लस, 2MP प्लस, 2MP का आपको बैक के कैमरास आपको देखने को मिलेंगे, वो भी LED फ्लैश के साथ। और यहाँ पर गाइस मैं बात करूँ तो इसके बीच में फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको गाइस देखने को मिलता है 16MP का फ्रंट का कैमरा, और साथ में गाइस आप वीडियो बना सकते हो 4K के पीछे वीडियो बना सकते हो, 128 पिक्सल के पीछे बना सकते हो। और गाइस 30fps एंड 60fps के पीछे गाइस वीडियो बनाने का ऑप्शन आपको इसी फोन के पीछे गाइस देखने को मिलेगा। तो साथ में गाइस मैं बात करूं तो इस फोन के पीछे स्टोरेज की, जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रैम की, तो रैम आपको देखने को मिलेगी 6GB, 8GB एंड 4GB वेरियंट के पीछे आपको इसकी रैम देखने को मिलेगी। अगर आप 4GB वाले लोगे तो 32GB की आपको इसके पीछे गाइस इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, 6GB वाले लोगे 64GB की, 8GB वाले लोगे तो आपको गाइस 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो साथ में गाइस मैं बात करूं इसकी बैटरी की, 4500 mAh की आपको इसके पीछे बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इसके साथ गाइस देखने को मिलती है, 30W का आपको इसके साथ चार्जर देखने को मिलेगा। और इसके पीछे प्रोसेसर, गेमिंग के लिए गाइस मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर आपको इस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का गाइस हिलोई G90 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको इसके पीछे देखने को मिल जाता है। तो साथ में गाइस मैं बात करूं इस फोन के गाइस प्राइस की, तो ये वाला गाइस फोन आपको देखने को मिलेगा 13,900
95 रुपीज के बीच में ये वाला फोन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला फोन का प्राइस भी अच्छा है और इसके बीच में फीचर भी अच्छे हैं और इसके पिक्सल भी बढ़िया मिल रहे हैं, इसके बीच में आपको बैटरी भी बढ़िया देखने को मिल रही है, तो सब कुछ इसके बीच में ओके है। तो ये वाला फोन गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का है ये वाला भी फोन। तो गाइस आई होप कि आपको गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना एंड चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और आपको गाइस इस फोन के बीच में सबसे ज्यादा बढ़िया फोन कौन सा लगा, आप कौन सा फोन बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो गाइस वो वाले फोन का नीचे गाइस कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला फोन हमें अच्छा लगा, इस फोन के पीछे ये स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी। अगर आपको गाइस फोन कोई भी फोन के बीच में कोई भी कमी पेशी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस कर सकते हो। तो गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे फेम टेक्सटर चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो गाइस कर दो लाइक और जितना हो सकता है गाइस शेयर कर दो। इतनी कमाल की रेंज के बीच में हम इतने अच्छे अच्छे गाइस फोन लेकर आए हैं, वो भी गाइस इसी फेम टेक्सटर चैनल के बीच में आपको ऐसे बहुत सारे फोन गाइस देखने को मिलते रहेंगे। तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ वीडियो गाइस जितना शेयर हो सकता है कर दीजिए और आपके लिए गाइस ऐसी हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो गाइस मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तो बाय बाय।